नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स अब की नई वीडियो में। यार 2 मिनट का साइलेंस दे लो अपने आप के लिए। यार 400 सब्सक्राइबर्स टपा दिए तुम लोगों ने, कर क्या रहे हो? मैं 2 दिनों की छुट्टी पे गया हुआ था और व्हेन आई केम होम ये क्या 400 सब्सक्राइबर्स। यार यू लिटरली शॉक्ड मी गाइस, लिटरली। हाँ मैं साथ साथ रिप्लाई कर रहा था, लेकिन वो मेरे पास एक ऐप है जिसमें सिर्फ मेरे को आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। आई वॉज नॉट इन केयर अबाउट द सब्सक्राइबर्स, मेरे को सब्सक्राइबर्स की बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे इतनी जल्दी 400 हो जाएंगे। यार इट्स अ बिग माइलस्टोन एंड वी हैव डन अ ग्रेट वर्क, थैंक यू यार। और जो भी यार नए बंदे हैं यार इस वीडियो पे, देख क्या रहे हो, लाल बटन दबाओ, घंटा दबाओ और मुझे हर वक्त पाओ। और यार पेपर्स पास आ रहे हैं, आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो यार मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आए, दे वर लाइक सर प्लीज़ मेक साइंस वीडियो, प्लीज़ मेक साइंस वीडियो। और कई लोगों के कमेंट्स आए कि भाई तू फेल करवाएगा या तेरे को ये नहीं पता वो नहीं पता। तो आई वॉज यार तुम लोगों को मैंने एक वीडियो में कहा था कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखो जो मैंने सबसे लेटेस्ट अपलोड। प्लीज़ यार जो भी वो व्यूअर है जिसको लगता है कि ये पंगा है, तो यार मेरी एक बार वो वीडियो देख लो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस बात के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता। और यार तुम लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यार जो भी साइंस के रिक्वेस्ट कर रहे थे यार, ये लो भैयों तुम्हारा काम इसमें हो जाएगा। आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आए। तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। और किसी ने मेरे को लिखा कि सर आप वीडियोज़ लंबी वॉच टाइम के लिए बना रहे हो। नहीं भाई, तुम कभी भी मेरी वीडियो देख लो, कोई अजीब भी अजीब बात करता हुआ मैं वीडियो नहीं निकालता, सब इम्पॉर्टेंट होता है और मैं चैप्टर को अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो यार बिना किसी प्रॉब्लम के शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है यार केमिकल रिएक्शंस, तो आओ मार्किंग करते हैं इसकी भी। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, वन मार्क। और पहले ही मैं साइंस को करवाने से पहले बताना चाहूँगा, और इसके पीछे भी क्वेश्चन झूठे स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग पूरी नहीं देखेंगे, मुझे पता है, कि फुल साइंस इज इम्पॉर्टेंट, फुल इम्पॉर्टेंट हर लाइन से, यहाँ तक कि इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। प्लीज़ रीड एंड डू सेल्फ लर्निंग, आई कैन जस्ट गिव यू क्वेश्चंस, ऑल द वर्क यू हैव टू डू। साइंस इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनेशन, इट्स अबाउट IQ विच आई मेंशन इन माई टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। तो जाओ यार पहले तो ना तुम लोग उसको देखो, समझ गए हो मेरी बात को, इसके बाद इस वीडियो पर अभी मत जाओ, पहले देखो उसके बाद जाके इसको भी देखना, ठीक है? तो चलो यार पहला क्वेश्चन ये बन गया है। एक्टिविटी के अंदर इन्होंने मेरे को बताया है, इन्होंने MG रिबन लिया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन्होंने बर्न कर दिया। ये जो मैं ट्राइंगल होता है डेल्टा का साइन, ये बर्न करने के लिए होता है, तो ये बन गया MgO। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका MgO बन गया। तो यही एक्टिविटी में बताया है। और वाइट डैजलिंग फ्लेम आती है जो कि इसकी ऑब्जर्वेशन है। अगर वो आपसे ऑब्जर्वेशन पूछ लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, तो यार ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि 16 चैप्टर एक वीडियो में करना बहुत ही मुश्किल है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हमसे ऑब्जर्वेशन पूछ लेते हैं, डिटरमिन वेदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उसकी दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन है। उसका डाटा है जो मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऑन हीटिंग गिव्स, हीटिंग का साइन डाल लेना अगर नहीं डाला हुआ, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है। फिर उसके बाद वो हमारे को बताते हैं कि स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है, और जो स्केलेटल रिएक्शन होती है जिसकी बैलेंसिंग नहीं की जाती, जैसे अब आप इसको ऑब्जॉर्व करो और उसके बाद आप इसको भी ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब हम अगर अगले पेज पे जाएंगे, एक मिनट, इसी पेज पे नहीं है, अगर हम अगले पेज पे जाएंगे तो इन्होंने ये देखो इसके ऊपर 4 लगा दिया है और उसके बाद इन्होंने इधर 3 लगा दिया है, तो इसको कहते हैं दोस्तों बैलेंसिंग। अगर आप लोग बैलेंसिंग सीखना चाहते हो, प्लीज़ ये मेरी बात को सुनो, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न बैलेंसिंग, ऐसी बैलेंसिंग सिखाऊंगा ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। कमेंट में लिखो सर बैलेंसिंग सिखाओ, क्योंकि फिर मैं देखूँ कि, क्योंकि आप लोगों बहुत मास्टर माइंड हो, आप लोगों को आती होगी, जिनको भी प्रॉब्लम है बैलेंसिंग में या किसी भी टॉपिक के, साइंस के एक टॉपिक को जो बहुत वास्ट है, प्लीज़ छोटे टॉपिक्स नहीं, प्लीज़ जो बहुत वास्ट है, जैसे ये बैलेंसिंग बहुत वास्ट है, +1 +2 में जो नॉन मेडिकल लेंगे उनको बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ टेल मी कि सर बैलेंसिंग सिखाओ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर बैलेंसिंग। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है ये बैलेंस, देखो कैसे हो गई, तो ये बैलेंस होता है, ये अब स्केलेटल नहीं रही है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, कि अगर हम गैसियस के साथ लिक्विड, ये लिख के आना बहुत ज़रूरी है अपने उनके साथ, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटे। फिर दोस्तों इन्होंने ये 2 रिएक्शन दी हैं,
ये भी बहुत आपके टिप्स पे होनी चाहिए। देखो जो भी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का एक आपको टिप बताता हूँ, टिप हर रिएक्शन को लिख के देख लेना प्लीज़। अभी आप लोगों को मजाक लग रहा है लेकिन बोर्ड के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 80 of 80 इन बोर्ड, फॉलो मी प्लीज़। फॉर साइंस SST में नहीं कर रहे हो वो मुझे नहीं पता है, नहीं कर रहे हो, बट साइंस में 80 में से 80 दिलाऊंगा, बात मानो मेरी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले आता है दोस्तों कंबशन रिएक्शन। मैं इसकी हल्की सी डिटेल दूंगा और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि ये है, ये वाला कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, जिसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, टू प्रो ओ सॉरी स्लेक लाइम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, क्विक लाइम हम इसको कहते हैं और स्लेक लाइम हम इसको कहते हैं, और इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, इस वाले को लाइम वाटर। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो प्रोडक्ट्स मिलकर मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो एक दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो जो एक सिंपल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है C+O2 गिव CO2। अब ये वाला जो है, ये वाला देखो कि ये वाला जो है ये मार्बल का है या वाइट वॉशिंग का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ से आपको क्वेश्चन। फिर ये वाला दोस्तों क्वेश्चन है रेस्पिरेशन का, तो ये रेस्पिरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम ये डीकम्पोजिशन, ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद करके जाइए। तो मैं तो कहता हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, तुम रट्टा लगा ही चलो बस, ये तो ऐसा है। फिर ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, फेरिक सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जब हम FeSO4 फेरिक सल्फेट को, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं। फिर वो कहते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हम CaO+CO2 करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कि जो कैल जब जो हम वाइट वॉशिंग लगाते हैं तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट पे करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जबकि यही दो प्रोडक्ट्स मिलकर इसको बनाते हैं। तो हीटिंग से हमारे को एक बात क्लियर होती है, हीटिंग सेपरेट्स, हेल्प इन सेपरेटिंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं दीज, फिर ये एक एक्टिविटी है कि लेड नाइट्रेट पाउडर को भी हीट किया गया है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। और एक बात याद रखो, अगर हाइड्रोजन गैस है और उसका पूछो उसको टेस्ट करो, कैसे टेस्ट करोगे, तो हाइड्रोजन गैस को हम बबल सॉल्यूशन के पास लेके जाएंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे, जब उनके पास कैंडल लेके आएंगे तो कैंडल बर्न होएगी विद अ पॉप साउंड, मतलब बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी पॉप साउंड के साथ, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस का। और जब CO2 होता है जिसको हम एफरवेसेंस भी कहते हैं अगर पेपर में आए, तो जब हम उसके पेपर जब हम कैंडल लेके जाते हैं तो एक्सट्रिंगिश हो जाती है, बंद हो जाती है एकदम से। तो ये थी इन दोनों की। और अगर हम ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो वो और ब्राइटली चलने लग जाएगी। ये तीन केसेस साइंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में तो यार इनको यार प्लीज़ याद करके जाना। तो आता है फिर PbNO3 को जब हम हीट करते हैं तो PbO NO2 और O2 मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद आता है ये सारा इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, अगर हम H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो जब हम H2O को इलेक्ट्रिसिटी से यार एक मिनट जब हम H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं तो वो H2 और O2 में हो जाता है, और जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, एक मिनट रुको, तो ऑक्सीजन एक है इधर, दो है, तो दो इधर हो गए और दो इधर हो गए, है ना, हाँ, तो हाइड्रोजन इधर भी दो हो गए, तो यहाँ पे देखो चार है, एक मिनट O पे ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे देखो चार है, यहाँ पे भी चार है, तो ये 4:2 में हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ये देखो दो ऑक्सीजन एक, ये इसका टू, इसको वो सारा बैलेंसिंग से आप लोग समझोगे। तो आता है कि हमेशा हाइड्रोजन 2:1 की उसमें इकट्ठा होता है, तो ये सारा प्रूफ था, पता नहीं किसी को समझ नहीं आया तो यार कमेंट में लिख देना कि सर बैलेंसिंग सिखा दो, ये वाला मैं उसमें ज़रूर क्लियर करूँगा, बाकी जिनको पता था ठीक है। उसके बाद आता है फोटोलिटिक रिएक्शन, जिसके अंदर Ag2 और को जब हम ब्रेक करते हैं तो Ag2S और क्लोरीन बनता है, और AgBr फिर AgBr और वो सारा जब सेपरेट। अगर आपसे पूछे फोटोलिटिक रिएक्शन तो, और अगर 1 मार्क में है तो आप प्लीज़ ये वाली लिख के आना, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर अगर 2 मार्क में आ जाए तो आप दोनों लिख के आओगे, AgCl वाली भी, पर ज़्यादा प्रेफरेंस आप दोगे AgBr वाली को, ठीक है, जैसा मेरे सर तब कहते होते थे। उसके बाद हीट एंड लाइट एनर्जी ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन में चाहिए होती है रिएक्शन। अब वो कहते अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट को जब हम किसी भी उससे रिएक्ट कोई भी जब उस पर रिएक्ट करती है, जैसे हीट हो गई, तो
तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, समझ गए? यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग इट्स कॉल्ड थर्मल। और जिसके अंदर हीट निकलती है वो होता है एक्सो, जिसके अंदर हीट देनी पड़ती है वो होता है एंडो। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे इनको याद कैसे करें, देखो ऐसे लिख लो, एक्सो बाहर, एक्सो बाहर, ठीक है, और एंडो अंदर। मेरे को तो यार ऐसे याद हुआ था, और एंडो अंदर, ठीक है, एंडो अंदर, एंडो अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक्वस सॉल्यूशन से डिसप्लेस कर देता है कोई, जैसे एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर गिव एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू, तो इसके अंदर सी यू इधर चला गया एफ इधर चला, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाते हैं, जब आयन एक्सचेंज करते हैं, जैसे एन ए टू एस ओ फोर प्लस बी ए सी एल, बी ए इसके पास चला गया और एस ओ फोर इसके पास चला गया, तो ये बन जाता है इसका। तो फिर आता है ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो एक तरह से तो मैं आपको चैप्टर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। फिर करोजन क्या होता है, जब रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है करोजन का, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, ये करोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक है करोजन का, उससे इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में जो करोजन का टॉपिक है, छोटा सा 4-5 पॉइंट है करोजन के ऊपर, वो इस ये पढ़ने के बाद उसको भी एक बार पढ़ लेना इसके बाद, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, जब ऑयल इन द फूड ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसको रेंसिडिटी कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आ जाता है। और कैसे प्रिवेंट हो जाती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स, बुटाइल क्या था, एनिसोल था एक, बी एच ए बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है, ये दो थे एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं, और ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। फिर आता है दोस्तों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, लिटमस का पूछ लेते हैं, नोट पर्पल डाई नेचुरल है, और जो नेचुरल नहीं है वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोलफिथिलीन है, ठीक है दोस्तों। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक नेचुरल है, तो दो नेचुरल हो गए लिटमस और टर्मरिक, और दो सिंथेटिक हो गए हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और फिनोलफिथिलीन, पेपर में पूछ लेते हैं। फिर पूछते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, द इंडिकेटर्स विद टेल अस वेदर द सब्सटेंसेस जिसके अंदर स्मेल बदल जाती है उनको हम कह देते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, यहाँ पर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यहीं पे था यार, रुक जाओ एक मिनट। द इंडिकेटर्स विच टेल अस बाय चेंज इन कलर, देर आर सब्सटेंसेज विच, ये देखो, इन विच ऑडोर चेंजेस, यहाँ पे है, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, चलो ठीक है मिल गया। और ये जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोजन का समझाया था, बबल बनेंगे, पॉप साउंड में बन होंगे, ये सारा था, समझ गए, ठीक है, पहले ही आपको क्लियर कर दिया, ये भी याद कर लेना। और एक बात और याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिड होते हैं, मैं गलती करके आया था अपने पेपर में, मेरे को तब मैं अच्छे से पढ़ के नहीं आता, मैंने जाता आप लोग करो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ठीक है, लिख रहा हूँ बस, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ठीक है, ये बात को याद रखना अच्छे से। और ये भी पढ़ लेना क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन, और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैरी करना पड़ता है तो जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है दोस्तों। अब सोडियम जिंकेट कैसे बनती है, ये आपको सारा याद करना पड़ेगा, ये आपको एक्टिविटी सारी याद करनी पड़ेगी। और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और पास करते रहते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम NaOH प्लस एच, ये आ गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड्स और फिर वो वाला मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं हल्की, ये मैंने देखो ऐसी चीज़ें छोड़ दी थी अपने ने, मैं नहीं चाहता आप लोग छोड़ो, इसीलिए आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। उसके बाद दोस्तों ये वाला पार्ट पढ़ जाना, ठीक है दोस्तों, और एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना, डायग्राम शायद मत करके जाना, फिजिक्स के डायग्राम्स बस करके जाना, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। और इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि उसमें हीट होती है तो आपका कंटेनर फट ना जाए, इसीलिए एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पीएच का होता है, ये मैं आपको पीएच का स्केल समझा देता हूँ, इधर देखो समझना, इधर से बिलो 7, ठीक है, एसिडिक, ठीक है, अबव 7 बेसिक। एक दोस्तों क्वेश्चन आ गया था कि एन ए ओ एच की पी वो क्या है, तो वो कि वो क्या है, मतलब पी एच में क्या है, तो वो है आपकी दोस्तों 13, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ लेना कि क्या क्या होता है, तो वो सारा याद कर लेना, नेचुरल इंडिकेटर और वो वाला सारा पढ़ के जाना, मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरीडे लाइफ आपको कम से कम 4 आने चाहिए, ठीक है। पहला एक ये कर लो,
ठीक है, सॉइल वाला मत करके जाना, कई बारी अगर इनडायरेक्टली पूछ ले तो, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो मैन्योर डालते हैं दोस्तों, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो यार CaOH CaO डाल सकते हैं, CaCO3 ऐसा कुछ, ठीक है, एक pH इंडाइजेस्टिव सिस्टम कर लो, ये 5.5 कर लेना, और टूथपेस्ट के साथ दोस्तों बेसिक लिखना बहुत ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे, और इधर भी 5.5 लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, टूथ वाले के अंदर। और एंटा एसिड का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये वाला, ठीक है दोस्तों, तो चार हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका है, किससे, विनेगर का, एसिडिक एसिड, ऑरेंज का, देखो कर्ड का तो आप याद कर सकते हो, कर्ड में लैक्टोज होता है तो लैक्टिक एसिड, लेमन खट्टा होता है तो सिट्रिक एसिड, टैमरिट का टैट्रिक एसिड, टमाटो का ऑक्जैलिक, इन दोनों का मिली, तो ये याद करना पड़ेगा आपको सारा। मोर अबाउट सॉल्ट्स में दोस्तों ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं करके गया था अपने टाइम में, तो मतलब मैं ये पेजेस स्किप कर देता होता था। उसके बाद ये सारे दोस्तों मैं कहता हूँ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सारा कुछ करके जाना, इसको ये पूरी रिएक्शन याद करके जाना नाइट्रोजन वाली, ठीक है, उसके बाद ये वाला पूरा याद करके जाना कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो ये वाला प्रोडक्ट है दोस्तों ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लीज़ कहीं लिख लो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है दोस्तों, तो कैसे फॉर्म होता है वो सारा। फिर आता है बेकिंग सोडा जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो क्या है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद करके जाओ, ठीक है, और ये सब याद रिएक्शन याद करके जाओ। इसका नाम है दोस्तों सॉल्वेज प्रोसेस, और ये बहुत पूछ लेता है, तो इसको सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखना, NaHCO ये वाला करके जाना सब कुछ दोस्तों, वॉशिंग सोडा करके जाना, आगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन है वो आप सब करके जाओ, प्लीज़ ये सब करके जाओ, बिल्कुल रट्टा टिप्स पे होना चाहिए आपके, ये 80 out of 80 के जो मेरे स्कोरर्स होंगे, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप करके जाओ, सब आप करके जाओ, ठीक है, तो ये सारा आप लोग करोगे। थर्ड चैप्टर आ गया दोस्तों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है दोस्तों, तो मेटल्स की इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई है, मेटल इज़ अ प्योर शाइनिंग सरफेस, ये पहले पेज पे हो गया, और कुछ पढ़ने की लोड़ नहीं। उसके बाद मेटल की ये सारी डबिलिटी ऑफ मैटर इज ड्रॉन इन टू वायर्स, डक्टिलिटी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फिर वो हमसे ये पूछ सकते हैं, ये आप प्लीज़ पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ ऐसे दी हैं, और जो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको रट्टा लगाना चाहिए कि आयोडीन एक अकेला नॉन मेटल है, बट इट्स लस्टर, और इधर ब्रोमीन के बारे में भी दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा है वो, इधर ही दिया हुआ है नॉन मेटल्स में, ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड है, तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है जो पूछ लेते हैं, तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है। केमिकल ये आपकी मतलब ये सब आपकी मैम ने, ये दोस्तों सब इम्पॉर्टेंट है, आपको सारी रिएक्शंस बिल्कुल टिप्स पे, मैं आपको तभी कह रहा हूँ सारी रिएक्शंस प्लीज़ लिख के देखो, प्लीज़ एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कह रहा हूँ वो ये कर मत करके जाना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी रिएक्शंस आपको प्लीज़ दोस्तों टिप्स पे होनी चाहिए, अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपको फंसोगे। मेरे को पता है कि मेन आपका केमिस्ट्री में इतना डाटा नहीं है, मतलब सभी कुछ करना पड़ेगा आपको, आपको ये पूरा टेबल भी टिप्स पे होना चाहिए अभी के लिए, नहीं तो प्लस वन में जो नॉन मेडिकल लेंगे उनको बहुत कम आएगा, और आपको अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी ध्यान रखना है तो आपको ये टेबल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये वाला इन्होंने, अगर आप ये भी सीखना चाहते हो ना तो आप नीचे लिख देना कि मेरे को वो सीखनी है बैलेंसिंग साथ में मेरे को, तो मैं ये सारे ऐसे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये भी आ जाता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो आपको ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा। फिर आ जाता है दोस्तों अकरेंस ऑफ मेटल्स, जहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा शुरू होता है, तो सबसे पहले आता है दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसके अंदर इन्होंने हमारे को बताया है ये ओर और मिनरल की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, तो ये पढ़ जाना, ठीक है। फिर उन्होंने हमारे को मेथड बताया और बताया क्यों सारे ज़्यादातर मेनली फाउंड ऑक्सीजन के होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ के अंदर, ठीक है। उसके बाद एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जो निचले लेवल के बीच के लेवल के होते हैं उनके लिए, एक मिनट दोस्तों, उनके लिए ये कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ लो सीरीज, तो उनके अंदर ये सारा कुछ है यार, ये क्या हो गया, तो उनके अंदर ये दोस्तों सारा आप लिख के आओगे। कैल्सीनेशन और कैटिनेशन की डेफिनेशन इधर दी हुई है, और ये जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन को यूज़ किया जाता है, तो वो लिख के आओगे। और दोस्तों एक होते हैं थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं
थर्माइट रिएक्शन दोस्तों, थर्माइट रिएक्शन। जैसे इसके अंदर स्मेल्टिंग होता है जब कार्बन को यूज़ किया जाता है, थर्माइट रिएक्शन होता है जब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए। जिसके एग्जाम्पल ये रहे थर्माइट रिएक्शन, अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये वाले एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइटिंग, ये सारा आप याद करके जाओ, ये रट्टा है ठीक है। उसके बाद करोजन का वो जो टॉपिक मैं आपको कह रहा था, इसको फर्स्ट चैप्टर के साथ पूरा अच्छे से याद करके जाओ। याद कर नाम होना चाहिए कि आपका सिल्वर सल्फाइड Ag2S, जिसका फॉर्मूला है Ag2S सिल्वर सल्फाइड, कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट और आयरन। रस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है Fe2O3.XH2O ठीक है दोस्तों। फिर प्रिवेंशन ऑफ गैल्वनाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है इधर ठीक है दोस्तों। फिर अलॉय की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ से, और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, आयरन की क्या, आयरन की यहाँ पे दिया हुआ था यार, एक मिनट दोस्तों। हाँ, जब निकल क्रोमियम व्हेन आयरन इज मिक्स इट गिव्स स्टेनलेस स्टील, और ये भी इधर बाकी सारे ब्रास का दिया हुआ है, कॉपर और जिंक का, ये सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भी आप एक बार बस रीड कर जाना, ये आता नहीं है, बहुत रेयर पूछा जाता है। तो यार ये आपका थर्ड चैप्टर था, मैं जानता हूँ मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फोर्थ चैप्टर मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन चेंज है। जो भी थ्योरेटिकल, जैसे एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ठीक है, कि कार्बन की शेयरिंग बॉन्ड्स क्या होती है, और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट गेन्स इट वो क्या कहते हैं उसको, नोबल गैस कन्फिगरेशन। यार ये पैराग्राफ पूरा याद कर लेना ठीक है, मेरे को अभी मिल ये रहा नोबल गैस कन, ये इसका क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ये आंसर इसका है बाय गेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो ये यार याद कर लेना। उसके बाद ये सारे पैटर्न्स आपके, अगर आपको सीखने हैं तो आपकी मैम ने आपको बताए होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डायमंड, जो कि है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये सारा आपको बकमिनिस्टर के ऊपर नोट आ सकता है, C60 के ऊपर नोट आ सकता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पर नोट आ सकता है, डायमंड के स्ट्रक्चर पर नोट आ सकता है। फिर कैटिनेशन की डेफिनेशन आ जाती है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू शेयर इलेक्ट्रॉन, वो सारा कुछ। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये सारा आपकी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, मीथेन प्रोटेन बेंजीन साइक्लोहेक्सेन ये सारा। और दोस्तों कई बार याद आता है दो कौन से दो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ठीक है दोस्तों। होमोजीनियस सीरीज का भी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है काफ़ी बार, तो ये चैप्टर में तो दोस्तों सब कुछ थ्योरी। अब आता है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, कंबशन से ठीक है। तो कंबशन ऑफ कार्बन इन इट्स ऑल एलोट्रॉप्स क्या होते हैं दोस्तों, जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के जो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। पता नहीं वो थर्ड चैप्टर में भी आया होगा, मैंने शायद स्किप कर दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, CO2 O2 ये वाले सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और ये वाला वाई सब्सटेंसेज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम वाला आ जाता है इसमें, पेट्रोलियम, ये सब आपको यार याद। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन आनी चाहिए, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ में आप ये वाला पैराग्राफ करो, ये वाली डेफिनेशन करो, ये वाली डेफिनेशन करो, ये वाला करो, अल्कोहल कैसे इफेक्ट करती है, और डीनेचर्ड अल्कोहल की डेफिनेशन, मीथेनॉल की डेफिनेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, 5-8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, विनेगर की डेफिनेशन, वाई इट इज़ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एस्टर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एस्टर्स को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो वापस बन जाते हैं, उसके अंदर वापस चेंज हो जाते हैं एसिटिक एसिड और अल्कोहल और एसिटिक एसिड के अंदर। फिर सोप और डिटर्जेंट का जाता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड जो कि बाहर रहता है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो कि डस्ट पार्टिकल के साथ जगह जुड़ जाता है क्योंकि ऑयली होता है वो। और डेफिनेशन है उसकी सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ नॉन गा। फिर दोस्तों एक आता है सोप और डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंस ठीक है, ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में काम करता है, सोप नहीं काम करता है, सोप बायोडिग्रेडेबल है और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि इसकी डिसएडवांटेज भी मानी जाती है ठीक है दोस्तों। तो यही था, फिर उसका डेफिनेशन दी हुई है इधर डिटर्जेंट की, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट की। तो ये था आपका दोस्तों फोर्थ चैप्टर। अब हम आगे आ जाते हैं दोस्तों फिफ्थ चैप्टर पे, पीरियोडिक एलिमेंट्स में। तो दोस्तों मैं ये कभी नहीं करके जाता था, न्यूलैंड लॉन्ड के जो भी इसमें लिखे हुए हैं मैं ये कभी नहीं पढ़ के गया अपने टाइम में। अगर आपको है आप रीडिंग ले लो मेरे को इस चैप्टर में, अभी तक तो ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वहाँ से दोस्तों मेन काम शुरू हो जाता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ठीक है दोस्तों। तो आपको डेफिनेशन याद कर लो, हैलोजन्स क्या होते हैं ठीक है। तो ये चैप्टर प्लीज़ आप सेल्फ रीड दो,
मैं मेरे को नीचे कमेंट्स में ना हो कि ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर को मैं बिल्कुल फोकस नहीं करा। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन आईक्यू लेवल, कि कैसे ग्रुप में नीचे मूव करो तो वो बढ़ते हैं या वो घटते हैं कैसे। तो आपको सारे इसके ट्रेंड्स याद करने पड़ेंगे, चैप्टर ही सारा ट्रेंड भी है, ट्रेंड है, जब तक सारा चैप्टर ट्रेंड है। ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक एक लाइन टिप पे होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको रट्टा लगाना चाहिए। एटॉमिक साइज, वैलेंसी, सबकी डेफिनेशंस, और पीरियोडिक टेबल में कैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो शेल बढ़ते रहते हैं, और ऐसे जाते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, मेटल की नीचे जाते हैं तो बढ़ती रहती है इलेक्ट्रोबलिटी, और इससे ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, नीचे जाते हैं तो घटती है, नॉन मेटल्स की मेटलॉइड्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए प्लीज़, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये तो ये वाला चैप्टर ऐसे था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने इसमें आपकी सारी केमिस्ट्री कवर कर दी है, वीडियो भी बड़ी बन गई, और मैं कमेंट नहीं सुनना चाहता हूँ कि मैं जानकर वीडियो बड़ी बनाता हूँ। तो दोस्तों अगले में हम बायोलॉजी, और उससे अगले में हम अपनी क्या कहते हैं उसको फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं तीन वीडियोज़ लाऊँगा। मैं जानता हूँ मैं अपनी वो वीडियो सरप्राइज़ वाली नहीं ला पाया, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आए साइंस की, तो मुझे साइंस की वीडियो बनानी पड़ी, मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो यार अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो यार मैं इसमें लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक्स की, ज़्यादा कह दिया, चलो यार 50 लाइक 50 लाइक कर देना यार फटाफट, और सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, जब तक तुम वो नहीं ना दबाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो बात को। हमें अब 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं यार, और जैसे ही हम करेंगे धमाका मचाएंगे यार, मज़ा आएगा। 500 बहुत बड़ी बात है यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यार ऐसे ही 500 हज़ार हमें अभी बहुत आगे जाना है, तो यार बहुत मेहनत करेंगे, मार्क्स अच्छे लाएंगे। मैं जानता हूँ मेरा और आपका ये बहुत एंड के साल में शुरू है, लेकिन बहुत नए लोग भी जुड़ रहे हैं, और आप लोग भी वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं धीरे धीरे प्लस वन का भी सामान लेके आऊँगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, सब होगा दोस्तों। आपको प्लस वन के लिए भी ऑल द बेस्ट, फिलहाल आप 10th के पेपर्स पे ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कर दो यार, कमेंट करो, ठीक है यार। तो यार मैं चलता हूँ, नमस्ते, मैं मौलिक जैन आपसे विदा लेता हूँ, प्लीज़ बाय बाय एवरीबडी, आई लव यू ऑल, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वो घंटा दबा दो, बाय।